तो स्टूडेंट्स, हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को रीड कर रहे थे, कितना वर्किंग कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है। और उसके लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको 5 मेथड्स रीड करने, लेकिन मेनली आपके लिए 3 ही काम आएंगे। उसमें हमारा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड बेटा हमारे लिए फिनिश हो गया है। तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के बाद हमारा जो सेकेंड मेथड आएगा वो हमारे लिए नेट करेंट एसेट्स फोरकास्टिंग मेथड होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेट करंट एसेट्स फॉरकास्टिंग मेथड। नेट करंट एसेट्स फॉरकास्टिंग मेथड बेटा हमारे लिए फॉलो होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, नेट करंट एसेट्स फॉरकास्टिंग मेथड। और नेट करंट एसेट्स फॉरकास्टिंग मेथड लेना, तो इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पता करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसमें हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। तो उस केस में ना हमें यहाँ एक स्टेटमेंट बनाना सीखना है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बेटा हम लोग एक बनाते हैं, कैसे बनेगा वो वे सीखना। दो कॉलम बेटा हमारे लिए बनेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, एक तो करंट एसेट्स का एस्टिमेशन लगाना सीखेंगे और करंट लाइबिलिटीज का। पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए ए पॉइंट होगा बेटा, जिसे हम लोग करंट असेट्स बोलेंगे। और करंट असेट्स में 1 by 1 करंट असेट्स का अब यहां हम लोग एस्टिमेशन लगाना सीखेंगे। सबसे फर्स्ट करंट एसेट्स में हमारे लिए आएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को पता करेंगे, कैसे पता करेंगे उसका अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको ऐसे लिखते हैं फॉर्मूले को, डेली, वीकली या मंथली प्रोडक्शन, क्या है वो मैं अभी आगे समझाता हूं आपको बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, इनटू इनटू रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। इनटू रॉ मटेरियल पर यूनिट। तो ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का एस्टिमेशन हो जाता है। अब ये डेली, वीकली, मंथली क्या है, जैसे मान लो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड देखा दे रखा हो मंथ में, तो एक महीने का प्रोडक्शन देखना पड़ता है। मंथली दे रखा हो तो मंथली, वीकली दे रखा हो तो वीकली, डेली दे रखा हो तो दिन का, साल भर का एक साथ प्रोडक्शन दे रखा होगा, उसको मंथली बनाने के लिए 12 डिवाइड दे दोगे, वीकली बनाने के लिए 52 को डिवाइड दे दोगे, डेली बनाने के लिए 365 को डिवाइड दे दोगे, और जितनी भी रॉ मटेरियल पर यूनिट है बेटा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमारे लिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे बेटा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये फॉर्मूला और बेसिक, जैसे मान लो मैं कहूँ साल भर में 12,000 यूनिट बनते हैं और मेरा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड है मान लो बेटा 5 महीने का, तो अब मुझे ये 12,000 काम नहीं आएंगे ना, मंथली प्रोडक्शन काम आएगा। तो मंथली हो गया, एक महीने के 1,000 यूनिट बनेंगे तो 5 महीने में 5,000 यूनिट, और मान लो एक यूनिट का रॉ मटेरियल दे रखा है 10 रुपए, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे लिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकल कर आ जाएगा। तो जैसा पीरियड दे रखा होता है ना उस हिसाब से प्रोडक्शन अपने को काम में लेना पड़ता है। फिर आता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और बेटा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस निकालने के लिए हमें
तीन चीजें का प्राइस यहां चाहिएगा, एक रॉ मटेरियल का, एक डायरेक्ट वेजेस का या लेबर भी बोल सकते हो, और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, सॉरी इसकी जगह आप ओवरहेड दे रखा होगा अपने को, ओवरहेड का। और ये भी आपको वेजेस ना लिख रहे हैं बुक में, अपने को सभी क्वेश्चन में लेबर ही दे रखा होगा तो तुम लेबर ही लिख लो, एक ही बात है, लेबर लिखो या वेजेस लिखो। अब ये भी ऐसे बनेगा, देखो डेली, वीकली, मंथली प्रोडक्शन इनटू वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड। अब स्टोरेज पीरियड डेली हो तो डेली काम में लेना, प्रोडक्शन भी मंथली हो तो मंथली काम में लेना, वीकली हो तो वीकली काम में लोगे, इनटू रॉ मटेरियल पर यूनिट, हंड्रेड परसेंट वैल्यू लेनी है। ये क्या है वो भी मैं समझूंगा, ये भी इनर कॉलम में लिखोगे। फिर लेबर को बेटा डेली, वीकली, मंथली प्रोडक्शन इनटू वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड इनटू लेबर पर यूनिट, लेबर 50% ही लेंगे। देखो वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, थोड़ा बन गया, थोड़ा बनना बाकी है। रॉ मटेरियल तो पूरा डल गया है पर अभी उस पर कुछ खर्चे और ओवरहेड होना और बाकी है, इसलिए उसको वर्क इन प्रोग्रेस कह रहे हैं। 100% लेबर और 100% ओवरहेड लग गया मतलब तो फिर तो बनकर ही तैयार हो गया ना, रॉ मटेरियल तो एक साथ ही लग जाता है ना, खर्चे फिर थोड़े होंगे, इसलिए स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में लेबर और ओवरहेड हमें 50% ही लेना है। ओवरहेड के लिए भी एक ही कॉन्सेप्ट लगाओगे, डेली, वीकली या मंथली प्रोडक्शन इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। ये और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ और बेटर समझ आएंगे बेटा, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड इनटू ओवरहेड पर यूनिट, 50% ही लोगे क्योंकि लेबर और ओवरहेड अभी और लगना बाकी, इसीलिए उसे वर्क इन प्रोग्रेस कहा जा रहा है। ये हम लोग बाहर लिख देंगे। फिर थर्ड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालेंगे। फिनिश गुड्स वो है ना जो बनकर पूरी तरीके से तैयार है, तो वहां भी तीन चीजें लेंगे, रॉ मटेरियल भी, लेबर भी, ओवरहेड भी। डेली, वीकली, मंथली प्रोडक्शन इनटू फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड इनटू रॉ मटेरियल पर यूनिट, रॉ मटेरियल पर यूनिट 100% लेबर। सर डेली लेना है, वीकली लेना है या मंथली प्रोडक्शन लेना है वो डिपेंड करेगा पीरियड कैसा दिया हुआ है उससे बेटा। स्टोरेज पीरियड मंथली हो तो मंथली प्रोडक्शन लेंगे, डेज में दिया हो तो डेज में लेंगे, वीकली दिया हो तो वीकली लेंगे। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड इनटू लेबर पर यूनिट, हंड्रेड परसेंट, यहां सब 100% आएंगे ना, चीज बनकर तैयार है मतलब लेबर और ओवरहेड लग चुका है बेटा,
डेली, वीकली, मंथली प्रोडक्शन इनटू फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड इनटू ओवरहेड पर यूनिट, तो जो भी ओवरहेड है वो पर यूनिट 100% अपने को लेना है। वर्किंग प्रोग्रेस में लेबर और ओवरहेड 50% ही, क्योंकि अभी उन पर लेबर और ओवरहेड और लगना बाकी है, लेकिन बेटा फिनिश गुड्स में ना आपको लेबर और ओवरहेड 100%, सारी चीजें 100% ही लेना है। फिर डेटर लेंगे, डेटर के लिए भी ऐसे ही डेली, वीकली, मंथली प्रोडक्शन इनटू, यहां आप दो चीजें ले सकते हो, सॉरी एक तो आपको डेटर कलेक्शन पीरियड लेना है, पीरियड जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, डेटर कलेक्शन पीरियड इनटू कॉस्ट ऑफ सेल भी ले सकते हैं और सेल्स प्राइस भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी पर भी डेटर की गणना कर सकते हो। बेटर रहेगा कि प्राइस हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट लें, या आप सेल्स प्राइस पर यूनिट भी लिख सकते हो, आंसर नए आएंगे लेकिन आपको क्वेश्चन में भी ना दोनों के आंसर दे रखे होंगे, सेल्स प्राइस पर लो तो ये आंसर आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल पर लो तो ये आएगा, हम कॉस्ट ऑफ सेल को प्रिफर करेंगे। इसी तरीके से कोई प्रिपेड एक्सपेंसेस हो उसे लिखेंगे, और उसके लिए भी वही बेटा डेली, वीकली, मंथली प्रोडक्शन इनटू प्रीपेड पीरियड के कितने महीने का प्रीपेड है या कितने महीने का, कितने दिन का, उसके हिसाब से इनटू एक्सपेंसेस पर यूनिट और अगर क्वेश्चन में कोई कैश बैलेंस भी दे रखा हो तो कैश बैलेंस, कैश बैलेंस तो डायरेक्ट ही दे रखा होगा उसको ले लेंगे। ये बेटा ना सब जोड़ोगे ना तो ये आपके टोटल करंट असेट्स आ जाएगी, सबको जोड़ लोगे तो ये ए पॉइंट टोटल करंट एसेट्स आ जाएगी, फिर हम लोग बी पॉइंट करंट लाइबिलिटीज लिखेंगे इसके नीचे कि कितनी करंट लाइबिलिटीज हमारे लिए साल भर में वगैरह हो सकती है उसका एस्टिमेशन। करंट लाइबिलिटीज में बेटा सबसे पहला नाम क्रेडिटर, क्रेडिटर कैसे निकालोगे डेली, वीकली या मंथली प्रोडक्शन इनटू क्रेडिटर पेमेंट पीरियड क्रेडिटर होते हैं रॉ मटेरियल पर, माल जिनसे खरीदा है, माल रॉ मटेरियल परचेज करा होगा तो रॉ मटेरियल पर यूनिट उस पर इनकी वैल्यूएशन की जाएगी। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं क्वेश्चन में, डेली, वीकली, मंथली प्रोडक्शन इनटू आउटस्टैंडिंग पीरियड कितने महीनों का या वीक का या डेज का आउटस्टैंडिंग है इनटू एक्सपेंसेस पर यूनिट, पर यूनिट एक्सपेंसेस कितना लगना है वो, फिर
ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट आ जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके निकल कर आ जाएंगे। तो बेसिकली ये दो ही चीज़ें करंट लाइबिलिटी इसमें दे रखी होंगी, इनको जोड़ लो, ये बी पॉइंट हो जाएगा टोटल करंट लाइबिलिटीज टोटल करंट लाइबिलिटीज। तो बस फाइनली हमारे लिए ना नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल कर आ जाएगी, कितनी वर्किंग कैपिटल हम लोगों को रिक्वायर है वो ए माइनस बी करने पर आ जाएगी। करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को लेस करेंगे तो ये जो निकलेगा वो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल कर आ जाएगा। सर ये डेली वीकली मंथली ये सब आएंगे क्वेश्चन के साथ, एक बार स्टेटमेंट हमने पूरा किया है, इसमें कुछ नोट भी रहते हैं तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना बेटा वैसे वैसे मैं उन नोट्स को आपको लिखवा दूंगा। तो मेन करंट असेट्स का एस्टिमेशन करोगे, उसमें एक तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का, ये रॉ मटेरियल पर यूनिट पर होगा, वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल पर भी लेबर भी लेंगे और ओवरहेड भी, लेबर और ओवरहेड हम लोग बेटा ना 50% ही लेंगे, फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल लेबर और ओवरहेड तीनों पर लेंगे, यहाँ सब 100% लेंगे। डेटर को कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट पर भी ले सकते हैं और कॉस्ट और सेल्स प्राइस पर भी ले सकते हैं, हम कॉस्ट ऑफ सेल पर लेंगे। प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंसेस पर यूनिट हुआ उसके हिसाब से कैश बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा होगा। करंट लाइबिलिटी इसमें बेटा मेन हम लोगों को एक तो क्रेडिटर होगा जो क्रेडिटर रॉ मटेरियल पर यूनिट के हिसाब से निकालोगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा जो एक्सपेंसेस जो जो है आउटस्टैंडिंग वो पर यूनिट पर हम लोग इनको कैलकुलेट करेंगे। जब सारी करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को लेस कर लेंगे तो वो हमारे लिए नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल कर आ जाएगा। तो बेटा ये आज आप कंप्लीट करो, स्टेटमेंट को बनाना, इसको अच्छे से याद करना, कल से मैं इसके क्वेश्चन शुरू कर दूंगा।